हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बिजनेस जंक्शन के एक और शानदार और बेहतरीन वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और बेहतरीन बिजनेस आइडियाज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस बिजनेस के बारे में बात करेंगे वो बिजनेस इंडिया में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस है, और हाँ एक बात और, उसका कोई स्पेशल ब्रांड भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रोडक्ट आज हम बनाएंगे उस प्रोडक्ट का कोई भी एक स्पेशल ब्रांड नहीं है जिसका नाम आप सबसे ज्यादा सुनते हो मार्केट में। आज हम जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं वो है पर्दा बनाने का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे आज के टाइम में मार्केट में पर्दे की कितनी डिमांड है, और आप सभी लोग जानते हो गांव हो या शहर हो, सभी को अपने घर दुकान में पर्दों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो आज हम पर्दे बनाने के बिजनेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे आप इसको शुरू कर सकते हैं और कैसे इससे पैसा कमा सकते हैं। मेरा नाम है अंकुल लामा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बिजनेस जंक्शन। दोस्तों, अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो घंटी का बटन दिया गया उसको दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए सबसे पहले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बिजनेस के बारे में, कैसे इसका शुरू करना है, खर्चा कितना आएगा और सेल कैसे करनी है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि पर्दे का व्यापार एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है जिसकी डिमांड हर घर दुकान गांव हो या शहर हो हर जगह रहती है, और आज के टाइम में अलग अलग डिजाइन के बहुत ही बेहतरीन पर्दे बिकते हैं मार्केट में। तो ये व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसका कोई अच्छा ब्रांड भी नहीं है, और ऐसा ब्रांड नहीं है जिसको कोई नाम से जानती हो। आप भी खुद पर्दा खरीदने जाते हो, कोई ऐसा ब्रांड नहीं, बस जस्ट आप बोल देते हो कि पर्दे दिखा दो घर के लिए, और जो आपको पसंद आता है वो आप घर ले आते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं पर्दे बनाने की बात करूं तो आपको एक ऐसी जगह देखनी, चाहे आप YouTube से देख सकते हो या कोई फिजिकली आप किसी जगह पर जाके देख सकते हो जहां पर पर्दे बनते हो, वहां से आपको तीन चार डिजाइन के पर्दे बनाने सीख लेने हैं। और एक बार अगर आप पर्दे बनाने सीख गए, मीन्स अगर इसमें आपको 3 से 4 महीना भी लग गया, एक बार आप पर्दे बनाने सीख गए तो आप आगे चलकर वही 3-4 डिजाइन के पर्दे आराम से मार्केट में बनाकर सेल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर निवेश की बात करें तो कोई ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला। सबसे जरूरी है आपके पास एक मशीन होनी चाहिए जिस मशीन से आप पर्दे बनाओगे, साथ में आपको कुछ रॉ मटेरियल। तो इसको शुरू करने के लिए आपको मात्र 10 से 20 हजार की जरूरत पड़ेगी, और इसको घर में रहकर महिलाएं भी शुरू कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको पर्दा बनाना और उनके डिजाइन बनाने सीखने होंगे। एक बार आप सीख जाए तो उसके बाद आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और सीखने के लिए आप किसी भी एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सिखाने के लिए कोई भी मना नहीं करता। आप किसी भी एक्सपर्ट के पास जाके या यूट्यूब के माध्यम से आप पर्दे बनाना सीख सकते हो, उनके डिजाइन बनाना सीख सकते हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम सेल्स और मार्केटिंग के। क्या आपने पर्दे तो बना लिए, उनको सेल्स कहाँ करना है, उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है। दोस्तों, जब भी आप पर्दा बनाओ तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी का ध्यान रखो कि जो आप पर्दा बना रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी हो और साथ में वो सस्ता भी हो। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मार्केट में आपने देखा होगा, आप खुद भी कुछ चीजें खरीदने जाते होंगे तो आप सबसे पहले चीज देखते होगे कि उसका रेट क्या है और फिर उसकी क्वालिटी कैसी है। तो आप सस्ते रेट पर अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराओगे तो आपका जो पर्दों की डिमांड है वो बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी आप पर्दे बना लो उसकी क्वालिटी अच्छी और सस्ते हो। साथ में अगर हम बात करें सेल्स की, जब आप पर्दे बना लो एक बार तो आप उनको घर घर जाकर भी सेल कर सकते हो। आप अपने पास में एजेंट भी रख सकते हो, जो आपके पर्दे सेल घर घर में जाकर सेल करके आए उनको आप कमीशन दे सकते हो। दूसरे नंबर पे आप होलसेल या रिटेल दुकानदारों के पास जाकर भी अपने पर्दे को सेल कर सकते हो, ये भी एक अच्छा तरीका, जो मैं खुद अपने बिजनेस के लिए इसी काम को करता हूँ। तीसरा है, आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। आप ऑनलाइन स्टोर जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो, इन पर भी अपने प्रोडक्ट लिस्ट कराकर सेल कर सकते हो, और यहाँ से भी आप अच्छे खासे ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो और मार्केट पर अपनी एक अलग पहचान बना सकते हो। तो दोस्तों, ये था पर्दे बनाने का बिजनेस। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, कुछ लोगों की मैंने कमेंट पढ़ी जो नीचे कमेंट नेगेटिव कमेंट कर दे या कुछ भी कमेंट कर दे, दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बिजनेस से रिलेटेड जानकारी देता हूँ कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए या ये वाला बिजनेस करना चाहिए। तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो सबसे पहले मार्केट में उसके बारे में अच्छी तरह रिसर्च करो, क्योंकि जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो
आपको एक आइडिया तो मिल गया, मैं तो यहां सिर्फ आइडिया प्रोवाइड करा रहा हूं आपको, तो आपको सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करना है, निवेश के बारे में रिसर्च करना है, कौन उस काम को करता है उसके बारे में जानना है, वो दो चार जगह आपको मार्केट में जाके रिसर्च करना है, प्रॉफिट कितना है, मार्जिन कितना है, लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, ये सब चीजों के बारे में आपको एक बार रिसर्च करना चाहिए। क्योंकि जब आप अपना पैसा निवेश करते हो तो निवेश करने से पहले उस बिजनेस के बारे में आपको रिसर्च जरूर करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि बिजनेस कैसा चल पाएगा नहीं चल पाएगा, बट साथ में आपको मेहनत भी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बिजनेस आप कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको मेहनत की जरूरत भी जरूर पड़ेगी। मैं पर्सनली एक हवाई चप्पल का बिजनेस करता हूं, अगर आपको हवाई चप्पल बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं उसे आपको पर्सनली दे सकता हूं, आप मेरे से आके मिल भी सकते हो, आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो क्या इशू है आपको, अगर आपका बिजनेस चल नहीं पा रहा स्लीपर बिजनेस तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आप बिजनेस अपना कैसे चला सकते हो, प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बना सकते हो अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो मैं हवाई चप्पल के बिजनेस के बारे में आपको जानकारी दे सकता हूं क्योंकि वो मैं पर्सनली करता हूं। बाकी मैं यहां पर आपको सिर्फ बिजनेस आइडियाज देता हूं, आप उनको शुरू करने से पहले एक बार मार्केट में रिसर्च जरूर करें। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले, अगर आपको कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।